हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ऐश्वर्य को छुट्टी है, कल उसको महावीर जयंती की छुट्टी है और परसों उसको इंग्लिश का एग्जाम है। तो आज खाने में क्या बनाना है? आलू वाली सैंडविच। ओके, तो कल उसके पापा ब्रेड लेके आए थे तो आज बनेगी आलू वाली सैंडविच। यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, उसमें डाल दिया मैंने नमक। दाल को मैंने धूप में रख दिया है, चने की दाल है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक पतला सा दुपट्टा है वो बिछा दिया है ताकि कोई पंछी इसको दाल को बिगाड़े नहीं और हवा से ये निकल ना जाए। उसकी वजह से इसको चारों कोनों से अच्छी तरह से फिट कर लिया है मैंने। अभी ऐसा ही रहेगा, जब तक धूप है तब तक इसको बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू जो बॉईल करने के लिए रखे थे वो ले लिए हैं और तो नीचे हमारे आलू है, थोड़े से मैंने उसको मैश कर लिए हैं। उसमें मैंने बॉईल करे हुए ये हरे मटर भी डाले हैं और ये है अदरक मिर्च लहसुन की पेस्ट और ये सूखी प्याज और ये हरी प्याज, इतनी चीज़ें मैंने इसमें ले ली है। अब इन सबको मैं मिक्स करके ले लूँगी। तो ये हमारा, और उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें मसाला। ये सब मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है नमक, क्योंकि आलू बॉईल करने में भी हमने डाला था तो नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद है ये मैगी मसाला थोड़ा सा डाला है, ये धनिया पाउडर है और ये लाल मिर्च पाउडर है। इसमें हल्दी नहीं ऐड करेंगे हम, अभी ये सब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले उसमें हम आधा नींबू भी ऐड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा खट्टा अपना जाए इसमें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो ब्रेड ले ली है, इसके एक ब्रेड के ऊपर वो आलू वाला स्टफिंग हमने रेडी किया है वो उसमें लगा दिया है। अब इसके ऊपर ये अमूल की चीज है, ये रख दूंगी। स्लाइस रख दी है और उसको ये साइड्स जो है वो पसंद है इसलिए मैंने नहीं निकाली है, उसने मना किया है निकालने से, इसलिए फिर अभी ये दूसरी वाली जो है इसके ऊपर हम बटन लगा लेंगे। ये जाएगा हमारा सैंडविच मेकर में, इसको ऐसे उल्टा रख देंगे और ऊपर भी हम बटर स्प्रेड कर देते हैं। इसको मैंने प्री हीट कर लिया है, एक बार गर्म कर लिया, अभी भी ये गर्म है नहीं तो ये चिपक जाएगा। तो जब भी आप सैंडविच मेकर यूज करें उसको पहले एक बार प्री हीट कर लें। अभी मैं इसमें यहाँ पे दूसरी साइड भी मैंने बटर लगा लिया है, ऐसे प्रेस करके बंद कर लिया है और इसको चालू कर लिया है। अब ये सैंडविच जब रेडी हो जाएगी तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, देख सकते हैं लाइट ऑफ हो गई है। वैसे ही अपनी सैंडविच रेडी हुई, अब खोल के देख लेते हैं। अच्छे से बनके रेडी हो गई हमारी सैंडविच, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी चीज आलू मटर सैंडविच रेडी है। तो अभी मैं शौर्य को पढ़ा रही हूँ, उसकी एग्जाम चल रही है। तो और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।